हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज ग्रेस विद फैशन फीचरिंग निश अडवाणी। एंड गोवा से जब भी मतलब मैं रिटर्न हुई हूँ परसों, नहीं फ्राइडे को, उसके बाद से मतलब मैं थोड़ी लो हूँ। नेक्स्ट डे ठीक था, उसके बाद दो दिन मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है। एंड आई डोंट नो व्हाई, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, लाइफ इज गुड, सब कुछ अच्छा है, बट समटाइम्स आपको बस अच्छा फील नहीं होता है, वो इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द थिंग। एंड मैं आपको अभी, मैंने थोड़े दिन पहले कुछ व्लॉग रिकॉर्ड किया था, वो मैं दिखाऊंगी, एंड उसके बाद आप अभी ये देखना। और फिर मैं जा रही हूँ मैरिज पे, उसकी कुछ प्रिपरेशंस करी है मैंने। एंड मैंने एक बहुत ही क्यूट नाइट सूट बनवाने को दिया हुआ है। सो देखते हैं वो अगर आज वाले व्लॉग में आ जाएगा तो ठीक है, वरना मैं कल नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाने वाली हूँ। अभी मैं जा रही हूँ नेल्स कराने, इट्स बिन सो लॉन्ग, मैंने अपने नेल्स नहीं कराए, हालांकि मुझे बहुत सही लग रहे हैं अपने नेल्स, बट यही है ना कि एक बार किसी की आदत लग जाए तो फिर आप कराते ही हो। सो मैं वो कराने वाली हूँ। और अभी मैंने कार्डियो किया है 20 मिनट्स, बिल्कुल कंधा पसीना बहाया है। एंड या दैट इज़ इट, लाइफ अपडेट। नेक्स्ट मैं आपको अपना डेली ईटिंग रूटीन बताने वाली थी, बट मैंने वो अभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अचानक से बहुत सारी चीज़ें आ गई। मैं 5 ओकेशंस हैं अभी जहाँ मैं जा रही हूँ, वहाँ 5 फंक्शंस एक साथ अटेंड करने हैं, तो सबकी ड्रेसेस देखना, ज्वेलरी देखना, एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फसाड। तो इसलिए मैंने मतलब मे भी इसीलिए मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड था। गाइस देखो क्या आ गया, प्रतीक को बता रही हूँ, उसको पता नहीं है। रिकॉर्डर्स रिएक्शन। प्रतीक देखो क्या आया, पसंद आ गया? हाँ। क्या बात है यार, चिंदा ये पाली तो बनती है। मैं खोलू? मेरा पासपोर्ट है। आरती उतार दो भाई इसकी। ऑब्वियसली आप करेंगे ना छपाई हम लोग। ये थैंक यू, थैंक्स, स्पेशल मेंशन टू गुड्डू मामा, ऋतिक मामू, ऋतिक ब्रो मामू, नाउ सर को वो बिल्कुल सबके मामू बन जाएंगे, ऋतिक क्षेत्र में इज अ ब्रो। हां थैंक यू सो मच। ये सो गाइस आई एम बैक एंड मैं नेल आर्ट करा के आ गई हूँ। बहुत ही न्यूड और बहुत ही प्लेन नेल आर्ट कराया है मैंने, इतना कुछ फैंसी नहीं कराया है। एंड यस, लेट मी नो आपको कैसे लगा। और अब थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है मुझे। एंड मेरी मॉम मदर लॉ का मेकओवर हुआ है, उन्होंने केराटिन कराया है, हेयर कलर कराया है, एंड वो पूरी डेक्ड अप है बिकॉज उनके ननिहाल में शादी है तो बनता है। सो आई एम गोना गो एंड अभी थोड़ी देर में चलते हैं, मैं मम्मी का आपको पूरा मेकओवर दिखाऊंगी। सो गाइस देखिए मम्मी की पूरी तैयारी हो गई है और ये मम्मी, क्या बात है, अरे वाह, नेल्स दिखाओ, क्या बात है मम्मी, कितना प्रिटी लग रहा है। हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। मम्मी ने पूरा मेकओवर कराया है, घूमो ऐसे, ये हाइलाइट्स कराए हैं, हाँ कराया है। अच्छा, और कौन सा कलर कराया है? केराटिन कराया है। बहुत अच्छी लग रही हो मम्मी, पूरा बहुत अच्छा लग रहा है, चमक रही हो, वहां पे तो सब आपको देख के शॉक होने वाले हैं। नेल्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, वेरी प्रिटी, एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड। सो गाइस दिस इज द ऑल मेस्ड अप रूम लिटरली। एंड अभी मेरे पास बहुत सारे एंड मोमेंट पे वर्क आ गए हैं, मुझे इस ड्रेस में थोड़ी थोड़ी फिटिंग करानी है। दिस इज डन नाउ एंड दैट इज डन। और एक और चीज, ये देखो, ये लुक एट दिस, ये मैंने कराया और पूरा चौपट। सो अभी मुझे बगल में नेल आर्ट ये जाके ठीक कराना पड़ेगा, उसके बाद मुझे शोरूम जाना है, मुझे ड्रेस सही करानी पड़ेगी, एंड फिर उसके बाद पैकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, एक एक चीज को स्टीम आयन करना पड़ेगा, एंड उसके बाद फाइनली मेरी चीजें पैक होंगी। लॉट ऑफ वर्क टू डू, और साथ ही साथ मेरा पार्लर वर्क भी इनकम्प्लीट है, तो मैंने अभी
समझ लो एंड मोमेंट है, कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। So अभी सारा काम हो गया है, देखो मैंने नेल्स चेंज करा लिए। प्रतीक पहले वाले अच्छे लग रहे थे, देखो मेरे नेल्स भी वही के वही हैं, सेम टू सेम। तुम अपने वो घटो वाले नेल्स जो अभी तक काले के काले हैं, छुप रहा चुना, वो मैंने डिजाइनिंग कराई है उसमें, बहुत काली नेल पॉलिश लग रही है। मैंने ब्लैक एम्ब्रॉयडरी, बात गलती से सॉक्स उतार मत देना, सब डर के भाग जाएंगे कि क्या भालू वाले पहन रहे हैं, मैं कोट पहनूंगा ना। ये एक अच्छा लॉजिक दे रही है, देखिए अडवाणी जी। अच्छा ओके, सो अडवाणी नहीं, मैं सहता हो गई हूँ, फिलहाल मेरे सारे काम हो गए, एंड मोमेंट पे हो गए। सो कल हम लोग निकलेंगे आफ्टर 3 लंच वंच करके, एंड अभी हम लोग खाएंगे रस्ते में। वेरी एक्साइटेड टू शो माय आउटफिट्स, आई स्वेयर प्रतीक का एक आउटफिट इतना अमेजिंग है ना, मैं जैसे आया मेरी आंखें खुल गई, मैं एकदम कुछ सोच रही थी, मैंने इसका आउटफिट देखा ना, मुझे वाओ। मेरे तीनों आउटफिट डिफरेंट है ना, एक नहीं, जब मैं तीनों पहनूंगा तो यू विल डेफिनेटली, मैंने कुछ ना कुछ डिजाइनिंग करी है इसमें। यस, हम तीनों दिन अलग अलग व्लॉग्स बनाएंगे, एंड स्टे ट्यून्ड, होपफुली अपलोड कर पाऊँ अगर नेट वाला इशू नहीं हुआ तो। आफ्टर सो लॉन्ग हम ये वाला भुट्टा खाएंगे, हम लोग गोवा में खाने का बहुत मजा। हाँ, गोवा का भुट्टा इतना अमेजिंग होता है, बहुत सॉफ्ट, मतलब मैं फैन हूँ गोवा में, जो क्वालिटी होती है ना भुट्टे की। कितने हो गए? ठीक है, नॉट दैट गुड, मतलब हमने जो गोवा में खाया है उसके अकॉर्डिंग। खिड़की बंद करो, इट्स ओके, नॉट दैट गुड। ठीक है यार, सुनो क्लास विल डू भुट्टा जर्स। सो गाइस, ये वो मॉल है जहाँ पे मैं और प्रतीक सबसे जब हम लोग डेट करते थे, हम इसी मॉल में आते थे हम लोगों ने। हाँ, यहाँ मॉल में आए हम लोग काफी बार, थोड़ा बेसिक मॉल डेट हुआ था सिनेपोलिस। हाँ, बट यहाँ पे भी तो आते थे, आते थे, कॉफी भी ना आते थे, कॉफी भी जाते थे। तो हम लोग अब जा रहे हैं घर, और प्रतीक ने ले लिए हैं शूज, आधी चीजें तो ये मुझे बोलने नहीं देता है, ये ना बोलो वो ना बोलो। एक बात बताइए, क्या बताएं गाइस, इधर है गाड़ी हमारी, क्या आप चाहते हैं कि हम लोग जल्दी हनीमून पे जाएं? ये देखो टॉपिक चेंज है, है आप चाहते हैं हम लोग हनीमून पे जाएं? हनीमून हमारे हो चुके हैं, फॉरेन ट्रिप बोलो आप, फॉरेन ट्रिप पे जाना है। हाँ, और वो जल्दी पूरा करना है हमें, होगा तुम थोड़ा जल्दी नहीं बोलो, तो स्लो मो में बोलो, रोबोटिक। मैं थोड़ा सा ऐसे ही बोलता हूँ। नहीं, तुम जल्दी नहीं बोलो, व्लॉगर हो तो तुम्हें जल्दी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, बात सही कह रही हो। गाइस, मुझे चूड़ी नहीं लेके दे रहा है प्रतीक, कह रहे नहीं है चूड़ी, वो चूड़ी की स्टॉल थी। अरे नहीं थी चिन्ना, नहीं थी। ठीक प्रतीक, मुझे चूड़ियाँ ला दो। किस कलर चाहिए बताओ? मुझे व्हाइट कलर की चूड़ियाँ चाहिए। तो मैं फोटो आ जाएगी, फोटो से नहीं, मुझे रियल जाके खरीदनी है, अपने हाथ की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग खरीदनी है। तो कल भी तो टाइम है, टाइम नहीं, नहीं मुझे आज ही चूड़ियाँ चाहिए। कहाँ चलेंगे? चल 9 बज गया, इधर मोड़ के चलो, चलो यू टर्न, चलो वहाँ। ये देख रही हूँ गाइस, मुझे चूड़ियाँ ही नहीं दिला के दे रहा है ये इंसान। गाइस, बाजार लंबी लगी हुई है और गाड़ी वहाँ जा नहीं पाएगी, और कोई भरोसा नहीं कि वहाँ पे तो चूड़ी मिले। पक्का मिलेगी, 100% चूड़ियाँ मिल जाएंगी। और बताओ, कानपुर में इतनी बनी है? अरे क्या बात कर रही हो, मुझे चूड़ियाँ चाहिए, हम तुम्हें दिला के देंगे, खाली है। नहीं, मुझे आज चाहिए। अरे चाहे जो छक्का लो, बात फर्क थोड़ी। नहीं, मुझे आज पैकिंग करनी है ना, मुझे आज चाहिए। चूड़ी की पैकिंग छोड़ दे, और क्या मेरे को फिर उसके ऑल्टरनेटिव देखने पड़ेंगे, अगर चूड़ी नहीं मिली तो क्या पता चूड़ी भी ना मिले, फिर मैं ऑल्टरनेटिव भी ना रखूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं रखूंगी, बहुत लाद के नहीं जाऊंगी, इतना सामान वैसे ही हो रहा है, चूड़ी चाहिए और अभी चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। 9 बजे कहाँ चूड़ी मिलेगी? मिलेगी मिलेगी, सब जगह मिलेगी। मैंने चूड़ी नहीं ली क्योंकि हम लोगों ने देखा और समझा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज्यादा जाम है, तो मुझे अपने पति से मेहनत नहीं करानी थी। सो गाइस, लेट मी शो यू फ्यू ऑफ द अमेजिंग एक्सेसरीज आई एम टेकिंग विथ माई सेल्फ। और ये बैंगल्स याद है आपको, मैरिज के बैंगल्स हैं,
एंड अच्छा वो मैंने नहीं लिए बिकॉज मेरे पास ये हैं और बहुत अच्छे लगेंगे जो कलर की मैं साड़ी पहन रही हूँ. सो इट्स गोना लुक डोप दैट ये. और मैं आपको बहुत प्रिटी प्रिटी ब्रेसलेट दिखाती हूँ. मेरा मैं बिकॉज एथनिक वेयर का शूट करती हूँ तो मेरा ज्वेलरी कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो गया. किसी दिन फ्री होगा तो मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेरे पास बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हैं सो वो मैं आपको दिखाऊंगी पूरा ए टू जेड. एंड आई हैव दिस ब्यूटीफुल ग्रीन ब्रेसलेट. कितना प्रिटी लग रहा है यार. सो गुड. एंड आई हैव गॉट मैचिंग इयर रिंग्स. सेम इसके मैचिंग इयर रिंग्स भी हैं मेरे पास. और ये देखो है ना खूबसूरत. अब ये चल रही है मिस्टर सहता की पैकिंग. मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है. सो मेरे ये दो लगेज हैं, प्रतीक का एक लगेज है और ये सब सेट हो गया है. ऐसा लग रहा है फिर से रामनगर मैरिज वाले डेज आर बैक. सो काफ़ी हेक्टिक दिन के बाद एंड आप लोगों को काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग दिखेगा बट अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग डालूँ. सो अब मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ. होपफुली आप लोगों ने ये इन्जॉय किया, हमारे प्रिपरेशंस इन्जॉय करी, मेरे थोड़े मूड स्विंग्स इन्जॉय करें. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल कीप कमिंग बैक विद मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज. बाय पीपल.